आदमी हो यार, बंद करो भरना है। अब एक जो चीज करने वाला हूँ, मुझे बड़ा करने की ख्वाहिश थी। चलो मुंह दे लो बबल, मुंह दे लो बेटे। ओके, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं जहां मौजूद हूं वहां पे दुनिया आ रही है। अगर आप नहीं आए तो आपने बहुत बड़ी गलती की है। मैं इस वक्त सिम्बा किंगडम पे, जहां पे मिस्टर भोला भी हैं एंड मिस्टर हसन भी हैं, द नेशनल हीरो ऑफ पाकिस्तान। ही इज़ द ओनली वन जिसने जो है अकेले शेर को पकड़ा था। यार आप कौम का असास है, आपको पता है? बिल्कुल अच्छा मानते हैं आप ही हो। ये बात मानते हैं आप सर। ये माशाल्लाह से ये क्रोकोडाइल चुन चुन के लेकर है। क्रोकोडाइल को छोड़े, पहले ये वाला प्लांट देखो, ये बोनसाई है। इसकी एज कितनी होगी आप गेस करें? मे बी 100 इयर्स ओल्ड, 101 साल। सही पकड़ा सर मैंने, क्योंकि देखें पौधे जो होते हैं ना बड़े पसंद है मुझे। और ये कहाँ से मिला आपको? ये इम्पोर्ट करवाया है थाईलैंड से। थाईलैंड से इम्पोर्ट करा है? वेरी नाइस, वेरी नाइस। पेपर वर्क साथ है? अच्छा, ओए होए हो, ये अबे भाई जान माशाल्लाह। एक मगरमच्छ, एक मगरमच्छ अंदर है और एक दो तीन। ओ हसन, इसकी एज क्या होगी? ये एज में काफ़ी बड़े हैं, 15 साल से सारे प्लस हैं। हाँ। और सबसे बड़ा वाला 12 फिट का है, फिर 10 फिट का और 11 फिट का है। उफ, बड़े नहीं है, बस 12 फिट मैक्स। 12 फिट। अच्छा एक बात बताऊँ आपको कि मगरमच्छ इतने गंदे पानी में रहते हैं लेकिन फिर भी बीमार नहीं होता? बिल्कुल, इनके अंदर ये आप पानी रोज भी चेंज करेंगे ना, रोज ऐसे गंदा कर देते हैं, क्योंकि धूप एक तो डायरेक्ट पड़ती है। हुँ. और जितने भी आप इंटरनेशनल भी देख लें सब कुछ, मगरमच्छ का पानी हमेशा इतना ही गंदा होता है। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट, इसके अंदर कितने मगरमच्छ और है? एक है इसमें। अच्छा, वो उधर है, उधर है। अगर ये यहाँ पर होता तो आराम से खींच के ले जा सकता था, है ना? खींच के ले जा, बिल्कुल आराम से लेके जा। वेरी गुड। अच्छा, इसमें से करीब जाए उसके, हाँ थोड़ा जूम करेंगे, हिस आप देखेगा इसकी कितनी करेगा। मुझे यहाँ से सुनाई दे रहा है, इसमें मादी कितनी है? तीन मादियाँ, दोनों है। अच्छा, अच्छा इसकी स्पीड कितनी होगी भागने में? आप जाके देखें करीब। चले मैं जाके देख लेना। अब ये चले मैं लेके जाता हूँ, आप पीछे से आराम से जाना, संभाल के जाना है। ज्यादा करीब आ गया हुआ। जा जा आ जा। तुम कितने कभी आदमी हो यार, बंद करो भरना है। ये यार पूरा गीला हो गया हूँ मैं, और इसका पूरा प्लान था करने का। माशाल्लाह भाई, ये बब्बर है, एंड बब्बर की स्टोरी क्या है? ये बब्बर नहीं है, इसका नाम, आई मीन सॉरी बालू, इसका नाम हमने कालू रखा है, ब्लैक जैक। ब्लैक जैक, ये माशाल्लाह पाकिस्तान का मोस्ट टेम बियर है। और इसकी ना नकेल है ना कुछ है, मैंने रेस्क्यू किया, एक मदारी के पास था उससे मैंने रेस्क्यू, पैसे दे के उससे मैंने रेस्क्यू किया इसको। और अब माशाल्लाह आपके सामने, माशाल्लाह। गुड डे, क्या हुआ? अच्छा यहाँ पे ना कल्चर है कि लोग जो है ना मदारी से इसको नचवाते हैं, नकेल डाल के रखते हैं। अब आपके सामने ये कितना माशाल्लाह टेम है, देखते हैं मैं इसके कितने करीब, कोई भी बियर के कभी खड़ा नहीं हुआ है। Exactly. और नकेल ना हो, नकेल ना हो, माशाल्लाह इसकी नकेल भी नहीं, और आप देख रहे हैं कितना टेम है, सिर्फ जानवर मोहब्बत की जबान समझता है। अब एक जो चीज करने वाला हूँ, मुझे बड़ा करने की ख्वाहिश थी। चलो मुंह दे लो बबल, मुंह दे लो बेटे। बियर के इमरान हाशमी देख रही है भाभी वहां पे। ओके, दिस वाज द फर्स्ट टाइम मैं किसी बियर के इतना जो है करीब गया हूँगा, एंड इट वाज प्रीटी गुड एक्सपीरियंस। अब मैं जरा बेगम को लेने चला जाऊँ, वो ऊपर जो है, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। मगरमच्छों के बीच से जो है ना जाना पड़ रहा है वरिषा को लेने के लिए। वाह भाई, हाँ कैसा लगा? मैं तो देख रही थी, आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो भाई आपके बाद ही आ रहा है, देख यार, इस सबसे दुख की बात है कि इसकी माँ नहीं अब। हाँ, ये क्या क्या बोले, जीवा यार बोला है संजीवा। वाह वाह वाह, बोला ना, इसकी पिक्चर ले भाई। भोला जो है वो वरिषा के बस पास पास ही घूम रहा है, मेरे पास आ नहीं रहा, इसके पास घूम रहा है। यू नो मॉम फील्स, हाँ इसको सच में मॉम फील्स आ रही है, ममता फील्स। तो भाई अब मैं तुमको दिखाता हूँ शेर, वो तो तुमने टर्किश आइसक्रीम। हाँ, पहले पानी पियेंगे यार। अरे इतने प्यारे मेरे बच्चे खेल रहे हैं भाई, ये देखो। शेर रखने के क्या रूल्स हैं भाई?
देखें सबसे पहले तो प्रिकॉशन ज़रूरी है, आपका जो रखने की स्टैंडर्ड है वो 30x60 का केज होना चाहिए। ओके ठीक है, इंक्लोजर हो, उसके अंदर ग्रास लगी हुई हो या ट्री लगे हुए हो, प्रॉपर एक शेड हो, फिर उनके ऊपर बैठने के लिए जगह हो और हर चीज़ से कवर्ड हो, आपका कीपर एरिया डबल हो। अब आप देखें जो मेरे केज का डिज़ाइन है इसके अंदर कीपर एरिया एक अलग है। केज दिखा भाई, कीपर फ्रंट पे देखें एक डबल गेट है। तो अल्लाह ना करे बंदा जाता है अंदर गोश्त देने के लिए, तो गोश्त देते हुए उसका मतलब कोई मिसहैप ना हो, दरवाज़ा खुला ना रह जाए, तो वो डबल सेफ्टी हो। डबल गेट होता है उससे, तो उसके अंदर फ़ायदा ये होता है कि डबल गेट से फ़ायदा ये हो जाता है कि बंदे से एक दरवाज़ा गलती से छुटा रहे तो दूसरा तो बंद हो जाए, तो शेर भाड़ना है उसकी ये सेफ्टी होती है। फिर इसकी जो नाइट रूम के दरवाजे हैं ये डबल नाइट रूम है और इसके दरवाजे भी हम बाहर से मेंटेन। दिखा जरा डबल दरवाजे, दिखा भाई। ये डबल मतलब ये पूरी इसकी सिस्टम बाहर से होता है, इनका पूरा अपना इसकी सिस्टम इस तरह बनाते हैं कि बाहर से इसका पुली से फ्रेम लेवर से हम ऊपर खींच लें। मैं समझता हूँ अभी भी कराची में से बहुत सारे घर हैं जिन्होंने घर में बड़े बड़े शेर रखे हुए हैं, है भाई क्या कहते हो? बिल्कुल, और वो बहुत गलत रखे हुए हैं, इस तरह बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। अगर आपको शौक़ पूरा करना है, सारी चीज़ें करनी है, तो आप इनके फलाई काम करें, इनकी नस्ल अफजाई करें, सारी चीज़ें करें कि आपके सामने अब देखें शेर पालना आसान नहीं है। ऑफ कोर्स मैं बार बार लोगों को बोलूँगा घरों में नहीं रखें प्रॉपर, अगर रखना है तो फार्म हाउस ख़रीदें, उसके अंदर प्रॉपर इनका इंक्लोजर बनाएं और प्रॉपर पर ब्रीडिंग करें और इनका रजिस्टर प्रॉपर वाइल्ड लाइफ के साथ मेंटेन करें। अभी आपके सामने है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड भी आई है, सारी चीज़ें, तो ये सारे मतलब उसके तरीके से अब मेरे पास एक रजिस्टर मेंटेन हो रहा है। टैबी टाइगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पहली बार ब्रीड किए थे पूरे पाकिस्तान में, तो एक वो चीज़ मेरे पास एक माइलस्टोन है। फिर वाइट लाइन मेरे पास ब्रीड किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फिर कॉमन के बच्चे ब्रीड हो रहे हैं, तो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एक बात बता, अपार्ट फ्रॉम दिस, जब तू शेर पकड़ने गया था थोड़ी सी हवा ख़राब हुई थी? देखें बस अल्लाह मदद करके हम तो घुस जाते हैं हर चीज़ में, आपको पता है बचपन से हमारे अल्लाह से बढ़ के फिर कुछ नहीं है। दैट इज़ ट्रू, अल्लाह से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है भाई, और डरना वरना कुछ भी नहीं होता भाई। लेकिन ऑफ कोर्स एक थोड़ा सा जो ना सेफ जो है पॉइंट रखना बड़ा ज़रूरी है, एक सेफ पॉइंट रखना ज़रूरी है। और इसके अंदर आपको भी पता है प्रिकॉशंस वगैरह सारी लेनी पड़ती हैं, आपके पास कोई स्टूल या कोई चीज़ ऐसी हो जिससे आप अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। स्टूल से प्रोटेक्शन कर सकते, हम तो स्टूल से प्रोटेक्शन किए हमने तो। किधर आ रहे हो? ये मुझे देख नहीं सकता बाय द वे, इसको सामने से नज़र नहीं आता, जस्ट बाय द वे साइड से नज़र आता है। हाय, बस इतनी मोहब्बत काफ़ी है, और ज़्यादा करीब मत आना मेरे तुम, है ना? माशाल्लाह। हाँ भाई, ये हैं प्यारे प्यारे से क्यूट से क्वाइट हेल्दी माशाल्लाह वाइट एंड दे आर माशाल्लाह वेरी रेड। इसका थोड़ा मुंह लंबा है, इसका मुंह थोड़ा गोल है भाई, ले ले यार। एक बेटी है, लेना जरा। ये आ गया हमारा हीरो फैसल। तुम्हें तो छोटी टाइप की गेनी गाय पसंद है ना? बहुत बहुत गुड्डी काउस बहुत पसंद है। आजा गुड़िया, आजा गुड़िया, आजा गुड़िया, आजा गुड़िया। अच्छा भाई वो भी तो है, रानी है ना विद शॉर्ट लेग्स। या 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 रानी पाकिस्तानी। माशाल्लाह, ये अगले साल के लिए भी जानवर तैयार हो रहे हैं, बाकी जब बिकेंगे तब पता चलेगा। और ये हमारा आ गया शाहरुख खान। कैसे मेरी, तेरी भी आई हुई है? मेरी थोड़ी बहुत आई थी, मैंने बात कर ली। मेरी भी आई हुई थी आपका। हाँ बड़ा चल रहा है, बहुत चल रहा है भाई। हम कह रही थी कि भोला के केस पे कोई ना कोई वहाँ पर जो है ना होता है, देखना करता है। यस, तो भाई तुम लोग भी आ सकते हो इस फार्म पर, इस फार्म की लोकेशन डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। एंट्री फीस क्या है? 350 रुपये। 300 रुपये की एंट्री फीस है। और अगर तुम्हें शेरों के साथ तस्वीर खिंचवानी तो उसके चार्जेस अलग हैं। एंड ऑफ कोर्स ये सारे पैसे जो है ना इन्हीं जानवरों के लिए इस्तेमाल होते हैं, इससे ये लोग अपना कोई बंगला नहीं बना रहे या घर नहीं बना रहे। सो यस, मिनिमल सी फीस है एंड आप लोग यहाँ आ सकते हैं। एंड दैट वाज इट, ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बहुत सारा ख्याल रखना, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।